वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लिखता हूं हिंदी में। मैं नहीं जाता हूं। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हिंदी के वाक्यों में नहीं लगा होता है। ये देखिए यहां पर नहीं लगा हुआ है। अब इस नहीं को हम इंग्लिश में क्या लगाएंगे? नॉट। लेकिन एक चीज बहुत विशेष है, आपको ध्यान रखनी है, नॉट कहीं भी सिंगल नहीं आता। नॉट हरदम हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही आएगा। अब देखिए, अगर मैं इसको अफर्मेटिव लिखता हूं तो क्या होगा? मैं जाता हूं। यहां पर क्या लिखा? मैं जाता हूं। इसकी इंग्लिश हमने बनाया था आई गो। अब नॉट अकेला नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसके लिए एक बार हम थोड़ा इधर फिर से देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट देखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, किसी का नाम आ जाएगा। प्लुरल सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे। यहां पर हम बॉयज भी कर सकते हैं, यहां हम बॉय कर सकते हैं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लुरल सब्जेक्ट है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बॉय के साथ में कोई रूल आता है तो ही के साथ में भी आएगा, सी के साथ में भी आएगा, इट के साथ में भी आएगा और नेम के साथ में भी आएगा। नेम का मतलब किसी का नाम। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर उमेश। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका सब्जेक्ट? यहां पर आपका सब्जेक्ट है मैं आई। जब हमको निगेटिव बनाना है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जितने भी सिंगुलर है उनके साथ में डज हेल्पिंग वर्ब आएगी और जितने भी प्लुरल है उनके साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक्चुअली डू ही एक बेस है। बेस वर्ड क्या है? डू। सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं? इसमें ईएस लगा देते हैं, इसलिए डू का डज बन जाता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि डू से डज बना होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? आई डू नॉट गो। अब ये गो होगा, यहां पर गोस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां पर डू लगा रखा है और प्लूरल में डज नहीं आता। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोस नहीं आएगा, यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि यहां पर भी गोस नहीं आता और इसके पहले भी गोस नहीं आता। गोस कहां पर आता है? सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। ओके, अब देखते हैं You, तुम नहीं जाते हो। You do not go। हम नहीं जाते हैं। We do not go। वे नहीं जाते हैं। They do not go। Boys, लड़के नहीं जाते हैं। Boys do not go। तो आपने क्या देखा? डू नॉट गो, डू नॉट गो, डू नॉट गो, सभी में सेम है। बस यहां पर क्या डिफरेंस है? सब्जेक्ट। ये देखिए सभी प्लूरल के सब्जेक्ट में, इसलिए सभी के साथ में एक रूल है। अब हम सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में देखेंगे सिंगुलर के सब्जेक्ट में कैसे ट्रांसलेट करना है। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, इसका क्या बनेगा? ही। चूंकि नॉट सिंगल नहीं आएगा तो नॉट को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आप इसमें क्या करेंगे? डज। ही डज नॉट गो। उसी तरीके से बॉय, बॉय डज नॉट गो। सी, वह नहीं जाती है। सी डज नॉट गो। किसी का नाम ले लिया हमने यहां पर उमेश, डज नॉट गो। इट, इट डज
नॉट गुड। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब ली और हेल्पिंग वर्ब ली। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हमें निगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो क्या करेंगे। अगर हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट को, इन सब नॉट को हमें हटाना पड़ेगा। हमने हटा दिया, तो क्या हुआ, ही डस गो नहीं चलेगा। अगर निगेटिव में से नॉट आपने हटाया तो आप ये हेल्पिंग वर्ब भी हटा देंगे, आपने हेल्पिंग वर्ब हटा दी, लेकिन अब क्या हो गया, ही गो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ईएस लगेगा। ये ईएस कहां से आ रहा है, आपने ये लगाया था डस, ही गोस, बॉय गोस, सी गोस, उमेश गोस, इट गोस, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। तो आपने इस वीडियो में सीखा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर ऑल दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।